तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदन हालदार फूड ब्लॉगिंग में आपका स्वागत है। तो आज फिर से आ गए एक नए वीडियो में लेके। तो चलते हैं, वीडियो बनाते एकदम जबरदस्त तरीके से। चिकन बनाते एकदम सिंपल तरीके से चिकन बनाएंगे, एकदम जो खाने में बहुत ही ज़्यादा जूसी और क्रीमी होगा खाने में, और पूरा रेसिपी दिखाते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस, मैंने सबसे पहले ये लहसुन का पेस्ट और ये अदरक का पेस्ट मैंने बना लिया था सिलबट्टे में। उसके बाद मैं तीन छोटे छोटे टमाटर को चॉप कर लिया, फिर मैंने बड़े बड़े दो प्याज को चॉप कर लिया था, और मैंने स्प्रिंकल का यहाँ पर शाही चिकन मसाला यूज़ किया है, और मैंने शाही स्प्रिंकल का गर्म मसाला यूज़ किया है। मैंने यहाँ पर खड़ा मसाला भी यूज़ किया है, और वहाँ पर मैंने मिर्च, हल्दी और स्वाद अनुसार नमक, और मैंने आलू आप डाल भी सकते हो नहीं भी। हमारे चिकन का क्वांटिटी है पूरा 750 ग्राम। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। पहले लोहे की कढ़ाई में हम सरसों का तेल डालेंगे। अब तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे हम। तो इसमें डालेंगे हम तेज़पत्ता, खड़े मसाले मैंने लिए जीरा और लाल मिर्च। हमारे खड़े मसाले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें हम डाल देंगे प्याज जिन्हें हमने चॉप किया था। इसे बढ़िया तरीके से भून लेंगे एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक, बढ़िया तरीके से जबरदस्त तरीके से इसे भून लेंगे जो खाने में पूरा मजा ही आ जाए। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है, देख सकते हो। अब इसमें मैंने जो सिलबट्टे में अदरक और लहसुन को पीसा था, मैं उसे ऐड कर दूंगा। अब ऐसे अच्छे से मिलाऊंगा। बहुत बढ़िया तरीके से फ्राई करूंगा। जब ये अदरक लहसुन का पेस्ट पड़ता है ना जब कढ़ाई पे, तो जो खुशबू आती है ना, वो उसका कोई जवाब नहीं है। अनलिमिटेड खुशबू होती है वो, बहुत ही जानदार खुशबू होता है वो, और उसी खुशबू में तो लगता है पेट ही भर जाए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है गाइस, इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बढ़िया तरीके से हमारा मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे, 750 ग्राम चिकन। बढ़िया तरीके से मिलाएंगे। और हाँ, ये जो कैमरे का जो क्वालिटी है ना, मेरा फ़ोन खो चुका है इसलिए ये कैमरे का क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है, और बहुत ही जल्द मेहनत करके एक मोबाइल लेने वाला हूँ, शायद वो जल्दी वही दिन आए। शायद आप लोगों के सपोर्ट से ही मेरा हर सपना पूरा होगा। अगर आप सपोर्ट करोगे, क्या पता मैं आपको ऐसे नई नई वीडियोस भर दूँ यूट्यूब में। फिर अच्छे से ट्राई कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे हल्दी, नमक और मिर्च। ये हमने डाल दिया हल्दी, नमक और मिर्च। इसे बढ़िया तरीके से फ्राई करेंगे। पार्कल का शाही चिकन मसाला, बढ़िया तरीके से। इसमें एक ही सब्जी का क्वांटिटी में मसाला आता है, 5 रुपये का लेता है पाउच। देख लीजिए कितना बढ़िया कलर आया है, जबरदस्त तरीके से। अब इसमें हम डाल देंगे अपना टमाटर डालने के बाद हम इसमें ऐड डाल देंगे आलू। देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से कलर आया इसमें। उसे हमने इसे हल्के आंच में पकाना है। अरे, आंच को अगर पूरा फुल कर दोगे तो नीचे से जल जाएगा, तो हमें जलाना बिल्कुल भी नहीं है, हल्के आंच में पकाना है। स्पार्कल का गरम मसाला, बढ़िया तरीके से हल्का डालेंगे, थोड़ा ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस अच्छे से मिलाएंगे बढ़िया तरीके से एकदम। ऊपर से कम ना हो तो 15 मिनट के लिए ढक देंगे। 15 मिनट हो चुका है पूरा, एकदम मैंने लो फ्लेम पे पकाया था। देख लीजिए चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया है,
बढ़िया तरीके से। हाय 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 हाय, जो खुशबू आ रही है ना, मजा ही आ गया। बढ़िया तरीके से पानी छोड़ दिया है। अब इसे हम हाई फ्लेम में और 5 मिनट के लिए ढक देंगे। चिकन के लिए हम गर्म पानी उबाल रहे हैं, क्योंकि हम चिकन में ठंडा पानी नहीं डालेंगे, गर्म पानी डालने के साथ ही बहुत बढ़िया होता है, इसलिए मैं पानी को बॉईल कर ले रहा हूँ। 5 मिनट के लिए ढक दिया था, 5 मिनट तो हो चुका है। बढ़िया तरीके से मैंने हाई फ्लेम में पकाया इसे। खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है, मैं क्या बताऊँ गाइस, मज़ा ही आ गया खुशबू में। अब मैंने जो गर्म पानी किया था, अब मैं इसमें गर्म पानी ऐड कर दूंगा। जो हमने गर्म पानी किया था, मैं इसमें ऐड कर देंगे। गर्म पानी देने का फ़ायदा देख लीजिए, क्योंकि ना गर्म पानी डालने के साथ ही तुरंत उबाल आ जाता है, उस टाइम उबाल का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है, जैसे पानी डालने के बाद उबाल का इंतज़ार करो। तो गर्म पानी में ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अब इसे हम ढक देंगे पूरा पूरा 15 मिनट के लिए फिर से दोबारा। गाइस हमारा 15 मिनट, मैंने बोला था मैंने 20 मिनट के ढक दिया था इसे, तो देख लीजिए फाइनली हमारा चिकन बन के तैयार। हाय 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 हाय, देखो कितना बढ़िया तेल छोड़ दिया ऊपर से, सारा ऑयल ऊपर आ गया। अब इसे हम उतार लेंगे। तो फाइनली गाइज हमारा चिकन बन के तैयार, देख सकते हो कितना बढ़िया चिकन बना है हमारा। तो गाइज ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाना। प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय। ओके okay.